इन द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो बच्चों देखो, थॉमसन मॉडल में आपको याद दिला दूं, ठीक है, थॉमसन मॉडल में क्या था कि उन्होंने बोला था कि भाई जो एटम का मॉडल है वो कुछ इस तरीके से होगा, वाटरमेलन जैसा या क्रिसमस पुडिंग जैसा, ठीक है, मतलब जो क्रिसमस पुडिंग नहीं होती है, ठीक है, तो उसमें आप ये अज्यूम कर सकते हो कि जो उसमें चेरी वगैरह पड़ी रहती है, यहाँ पे ये देखिए ये जो चेरी वगैरह पड़ी रहती है, बाकी तो ये आपका ब्रेड रहता है, तो ये जो ब्रेड रहता है पूरा, ये क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा पूरा, ठीक है, ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा एटम का वो पूरे एटम में, पूरे स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और ये जो चेरीज वगैरह जो भी दिखाई पड़ती हैं आपको ये, ठीक है, या बादाम वगैरह जो भी पड़ा होगा इसमें पुडिंग में, तो ये कैसा है, ये है इलेक्ट्रॉन जो इसमें एम्बेडेड है, ठीक है, एम्बेडेड मतलब जड़े हुए हैं, गड़े हुए हैं। अब आप इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर कर सकते हो, तो वाटरमेलन आपने खाया होगा, ठीक है, वाटरमेलन में बच्चों जो रेड कलर का पार्ट होता है, ये देखिए खाने वाला जो पार्ट होता है, उसको आप सोच सकते हो क्या, पॉजिटिव चार्ज, एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। भाई वाटरमेलन जब आपने काटा होगा तो देखा होगा, जो लाल वाला पार्ट होता है रेड कलर का खाने वाला, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है पूरे में, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो उसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, वो एम्बेडेड होते हैं उसमें, जड़े होते हैं, ठीक है ना, पूरे स्फीयर में जड़े होते हैं रेड वाले पार्ट्स में ये, तो ठीक इसी तरीके से वाटरमेलन से भी आप इसको कंपेयर करके सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि नहीं बताओ। तो पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, जड़े हुए हैं उसमें, सही है, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, आइए देखते हैं, या एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकते होंगे। तो देखिए बच्चों, स्टेटमेंट नंबर वन कह रहा है कि द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। बात समझो बच्चों, देखो अब यहां पर आपने जब थॉमसन का मॉडल पढ़ा था, हमने जब आपकी क्लास ली थी या आपने कहीं से भी पढ़ा हो, तो वहां पर बच्चों मास की तो कोई बात नहीं करी गई थी कि मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो ये बात अभी आपको नहीं समझ में आ रही, अभी मैं इसको समझाता हूं, रुक जाओ, पहले आप सेकंड वाला पार्ट देखो, द पॉजिटिव चार्ज इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। ये तो बात सही है कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द एटम, पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या पॉजिटिव चार्ज, वही वाटरमेलन का लाल वाला पार्ट, ऐसे आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात इनकी बच्चों मुझे सही लग रही है, ठीक। अब थर्ड वाला पॉइंट देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे तो इन्हें बोलना चाहिए था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ऐसे करके बोलना चाहिए था, बट नहीं बोला था, कोई बात नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। हाँ सही है, ठीक है बच्चों, सही तो है भाई, वाटरमेलन में जो बीज होते हैं उसके सीड्स होते हैं, तो वो तो पूरे स्फीयर में लगे होते हैं, मतलब अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लगभग, ठीक है, ऑन एन एवरेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं, हाँ भाई जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो कि कैसे पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में, ठीक इसी तरीके से जैसे वाटरमेलन में सीड्स होते हैं। हाँ, तो ये बात भी मुझे सही लग रही है, ठीक है, तो इसको भी हम सही कर लेते हैं, ठीक। अब फोर देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर टू एस्टेब्लिश द एटम। बच्चों सुनो, एस्टेब्लिश द एटम का मतलब एटम को स्टेबल बनाने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये बिल्कुल नॉनसेंस स्टेटमेंट है, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन्स पे तो बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, और आपको तो पता है नेगेटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट नहीं करता है, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये जो यहां पर इन्होंने जो बात बोली ना अट्रैक्ट, कि इलेक्ट्रॉन्स द इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर, तो अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन कर ही नहीं सकते, वो तो नेगेटिव नेगेटिव, अरे भाई नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अट्रैक्ट शब्द से स्टेटमेंट पहली बात तो गलत हुआ, और दूसरी बात ये गलत इसलिए है क्योंकि थॉमसन ने अपने मॉडल में ऐसा कुछ बताया ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करके एक दूसरे को और एटम को जो है स्टेबलाइज कर देंगे या स्टेबल कर देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था उसने, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए जो फर्स्ट वाले पे अगर हम आपको डिस्कस करें, देखो बच्चों ध्यान से समझो, थॉमसन का जो मॉडल आया था उस टाइम आई थिंक न्यूट्रॉन की तो खोज हुई नहीं थी, ठीक। अब एक बात बताइए, जो एटम का टोटल मास है बच्चों, जो एटम का टोटल, अच्छा इससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि देखो बच्चों, जो चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज ना, चार्ज जैसे आपने दो तरीके के चार्ज पढ़े हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो ये जो चार्ज होता है ना, ये हवा में नहीं होता है, मतलब ये बिना पार्टिकल के रह ही नहीं सकता बच्चों। कोई पार्टिकल होता होगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है चार्ज, कि वो पॉजिटिवली चार्ज है कि नेगेटिवली चार्ज है। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल दें छोटा सा, हमने आपको कई बार बताया है कि भाई अगर सोडियम का एटम होगा तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2, 8, 1। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देता था तो हम आपको बोलते थे कि भाई सोडियम पे आ गया 1 पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी पार्टिकल पे होता है, ये पार्टिकल की कैरेक्टरिस्टिक होती है,
ठीक है, जिस कैरेक्टरिस्टिक के कारण वो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, बट अभी भी ये समझिए मोटी मोटी बात जो है, चार्ज ना पार्टिकल के बिना नहीं रह सकता है, सुन लो। अगर पार्टिकल नहीं होगा तो चार्ज को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, चार्ज किसी पार्टिकल का होता है, ठीक। तो जब ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों, तो ध्यान से समझिए, ये जो इन्होंने बोला था थॉमसन ने कि भाई जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर में। अभी जो पॉजिटिव चार्ज होता होगा ये किन ही पार्टिकल्स के कारण तो होता होगा, हालांकि प्रोटॉन की खोज नहीं हुई थी उस टाइम, ठीक है, पर और ये मॉडल भी तो गलत था आपको पता है। हाँ। चलो लेकिन अगर उसने बोल ही दिया थॉमसन ने कि पॉजिटिवली चार्ज जो स्फीयर है, मतलब जो एटम है उसको हम कैसा कंसीडर कर सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और उस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है, नेगेटिव चार्ज क्या है, एम्बेडेड है, ठीक। अब एक बात बताओ बच्चों, दो ही तरीके के तो पार्टिकल थे उस, मतलब दो ही तरीके के आप यहां पे चार्ज देख रहे हो, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज भी किसी पार्टिकल के कारण आता होगा, हालांकि उस पार्टिकल का नाम उस टाइम नहीं पता था कि भाई प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, कोई बात नहीं, पर चार्ज तो बिना पार्टिकल के तो रह नहीं सकते। हाँ, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला था पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और चार्ज तो पार्टिकल के बिना होता नहीं है, तो हम इसकी रीजनिंग कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स जो होंगे, जो भी होंगे, जिनका कुछ नाम उस टाइम नहीं हुआ करता था, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो भी होंगे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से सुनना बच्चों। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, क्योंकि चार्ज पार्टिकल के बिना रह नहीं सकता है, इसलिए हमने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कैसे थे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों, वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो तो स्टेटमेंट हमने आपको बताया कि वो ट्रू है। अब एक बात बताओ बच्चों, पूरे एटम का मास किसके कारण आया होगा, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल जो भी मास होगा वो इन्हीं दोनों पार्टिकल के कारण तो होगा, हाँ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है, दोनों का मास अगर हम जोड़ दें तो टोटल एटम का मास आ जाएगा। अब ये जो टोटल एटम का मास है, जो कि कुछ तो पॉजिटिव पार्टिकल्स के कारण होगा कुछ मास, और कुछ मास तो नेगेटिव पार्टिकल्स, तो भैया पूरा मास यूनिफॉर्मली तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात समझ में आई कि नहीं, मतलब पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसमें नेगेटिव चार्ज यूनिफॉर्मली एम्बेडेड है, ठीक है, बात समझ में आई नहीं, तो मास भी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि मास इन्हीं दोनों पार्टिकल के कारण तो आया होगा, तो ये समझाने वाली बात थी आपको, यानी कि मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हम मान सकते हैं, हालांकि आपने थॉमसन के मॉडल में ऐसी कोई बात पढ़ी नहीं है, पर हमने इसकी रीजनिंग करके कंक्लूजन निकाला कि स्टेटमेंट वन भी क्या है, करेक्ट है। इन्होंने यही तो बोला था, द मास ऑफ एन एटम, स्टेटमेंट वन में द मास ऑफ एन एटम इज अज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम, बात समझ में आई कि नहीं, मास किसके कारण होगा, पार्टिकल के कारण, जब पार्टिकल दोनों मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो इसका मतलब मास भी क्या है एटम में, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना, तो ये चीज है। अब यूनिफॉर्मली का मतलब बच्चों आप लोग थोड़ा ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि इतने पोर्शन में मास ज्यादा है और इतने पोर्शन में मास कम है, ऐसा नहीं है, अगर इतने पोर्शन में जितना मास है उतना ही, मतलब सेम वॉल्यूम में सेम मास है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मतलब है अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल। बाद में ये बात बच्चों सही हो या गलत हो वो तो अलग की बात है, तो ये जैसा क्वेश्चन था थॉमसन के मॉडल पे, तो उस तरीके से हमने देखा कि स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हमको क्या बता रहे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। बी क्यों चला गया, क्योंकि इसमें इन्होंने फर्स्ट एंड थर्ड की बात करी, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड के साथ साथ सेकेंड तो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सेकेंड तो होना ही चाहिए, तो ये ऑप्शन चला गया आपका। सी वाला देखिए फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये ऑब्वियसली रॉन्ग होगा क्योंकि फोर्थ वाला रॉन्ग है, और डी वाले में देखिए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ की वजह से डी वाला भी चला गया, करेक्ट, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके।